Right, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. दिस विल बी अ वेरी इनफॉर्मल लेक्चर एक्चुअली. ये मैं बहुत सारे लोग मुझे हर हर सेमेस्टर में लाइक इवन व्हेन आई वाज नॉट इन बहरिया, बहरिया में भी अदर यूनिवर्सिटीज से भी किसी न किसी रेफरेंस से मुझे लेक्चर की रिक्वेस्ट करते हैं. और ये मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह इसके लेक्चर स्लाइड्स एक दफ़ा बैठ के बना लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिलता. और अभी भी आपको नज़र आएगा कि मेरी स्लाइड्स जो है ना वो नहीं बनी हुई. पहली स्लाइड तो मैंने बना ली है बट अदरवाइज नहीं है. सो हम बड़ा इनफॉर्मल लेके चलेंगे और ये कोई बहुत ज़्यादा लाइक एडवांस लेवल का रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो नहीं है, कोर्स नहीं है. ठीक है जी. ये हमारे पास जो बेसिक लेवल की रिसर्च एक एमएस लेवल पे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए चाहिए, बस उसकी बातें हैं. और आई विल बी मोर प्रैक्टिकल इन दैट. मैं थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा अनटिल अनलेस हमारे पास जो है ना मतलब उसकी रिक्वायरमेंट हो, लिटरली रिक्वायरमेंट हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, वॉट इज रिसर्च. रिसर्च के बड़े डिफरेंट मीनिंग होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट बाई एक्सपीरियंस आई नो कि हम लोग जनरली रिसर्च के बड़े डिफरेंट मीनिंग माइंड में हमारे लेते हैं. हम जो गूगल सर्च है उसको रिसर्च ही समझते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इट्स नॉट द केस. ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है लेकिन आसान अल्फाज में कैन एनी वन एक्सप्लेन के रिसर्च क्या है? जी कोई किसी को नहीं मतलब सर मुझे नहीं. ओके जी. ओके मैं ही बता देता हूँ. राइट. देखिए रिसर्च बेसिकली आसान अल्फाज में ये है कि हम हकीकत को ढूंढना चाहते हैं, हम सच्चाई की तलाश में जिसको हम बात करते हैं ना, सच की तलाश, दैट इज रिसर्च. लेकिन ये रिसर्च जो है ना ये इट हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिक. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसमें आपको शायद उससे समझ आ जाए. अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट पास करूं कि यार वीकेंड के ऊपर इस्लामाबाद की जो दो मेन रोड्स हैं, एक है हमारी कश्मीर हाईवे और एक है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो रवात की तरफ जाती है, और कश्मीर हाईवे वो जो मोटरवे और पेशावर की तरफ जाती है. सो अगर मैं ये कहूँ कि वहां पर बहुत गाड़ियों का रश होता है और वो जो गाड़ियों का रश है इट इज मेनली बिकॉज बहुत सारे इस्लामाबाद में ऐसे लोग काम करते हैं जो हफ्ते में 5 दिन इधर रहते हैं और फिर अपने नेटिव टाउन्स में वीकेंड पे चले जाते हैं. नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ फैक्ट, इज इट आपको सच नजर आता है, ये हकीकत है या नहीं? जी सर. देयर इज नो एविडेंस. देयर इज नो एविडेंस, राइट. सो बेसिकली ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी एक एनालिसिस हो सकता है. और लेकिन अगर मैंने इसको फैक्ट मानना है, मैंने इसको सच मानना है, तो मैं तभी मानूंगा जब मेरे पास इसका प्रॉपर एविडेंस होगा. अच्छा. और वो जो एविडेंस है वो भी उसका भी एक तरीकाकार है कि भाई ये क्राइटेरिया अगर वो एविडेंस मीट करता है तो मैं समझूंगा कि ये वाकई सच है, अदरवाइज मैं इसको सच नहीं मानूंगा. अच्छा. अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये झूठ है. मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो बात आपने की है साइंटिफिकली ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई, ये रिसर्च के अंदर ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई. हो सकता है आज से कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद कोई बंदा इसको प्रूफ कर दे, लेकिन जो वो जब भी प्रूफ करेगा हम उसका प्रूफ तब मानेंगे जब वो एक खास रिसर्च के क्राइटेरिया को मीट करेगा. मसलन हमारी रिसर्च के, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ उससे भी आपको ये बात समझ आ जाएगी. मसलन ये मेरे ख्याल में आप में से ही किसी की क्लास में मैंने एक दफा पूछा था कि आप सब स्टूडेंट से, सब स्कॉलर से ये मैं पूछूं कि आपका मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया लेवल क्या है, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू सेड के जी हमारा बैचलर्स है, बीएस है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हम सब ने ली हुई है. तो अब क्या मैं इस सैंपल की बेस पे, इस एनालिसिस की बेस पे कि मैंने 150 स्टूडेंट से पूछा कि आपका मिनिमम एजुकेशन लेवल क्या है जितनी आपकी एजुकेशन है, तो उन सब ने मुझे कहा, 100% ने मुझे कहा कि उनकी 16 ऑफ एजुकेशन है. सो देयरफॉर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज एजुकेशन का लेवल है वो 16 इयर्स है, लोगों के पास जो मिनिमम एजुकेशन है वो 16 साल है. मैं इस एक सैंपल की बेस पे मैं ये चीज नहीं कंक्लूड कर सकता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का लेवल क्या है. वजह क्या है? वजह यह है कि ये हमारे सैंपलिंग की
मेथड के अंदर एक बड़ा सीरियस फ्लॉ है, और वो ये है कि हमने एक ही टाइप का सैंपल एक खास एरिया से पिक किया है। ये सैंपल पूरी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यार अगर हमने जो रिसर्च करनी है जिसके अंदर हमने एविडेंस कलेक्ट करना है, वो एविडेंस भी एक बड़े सिस्टमैटिक वे में होगा, ठीक है। सो रिसर्च क्या है? रिसर्च बेसिकली हमारे पास सच्चाई या हकीकत या फैक्ट को जानने का या किसी भी क्वेश्चन का आंसर को जानने का एक ऐसा तरीका है जो एक खास मेथड को सॉरी जो एक खास मेथड के तहत जो है ना हम उसको अप्लाई करते हैं। अब रिसर्च के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है पर्पस होना चाहिए आपकी रिसर्च का। मसलन अगर मैं ये ढूंढने बैठ जाऊं, लेट्स से कि कोई भी अजीब सा क्वेश्चन के मैं सुबह लेट क्यों उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी क्यों उठता हूँ, मे भी उसका भी कोई पर्पज होगा, बट बिल्कुल ही स्टूपिड सी बात कोई आप उसको रिसर्च के अंदर लेके बैठ जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। रैंडम नहीं होगा, उस रिसर्च का एक पर्पज होगा। दूसरी बात, देयर शुड बी सम रिगर इन दैट। रिगर का मतलब यह है कि वो रिसर्च बड़ी डिटेल्ड थॉरो तरीके से सोची जाएगी, और थॉरो तरीके से आप उसके अंदर डाटा कलेक्शन करेंगे, और बड़े ही थॉरो तरीके से आप उसके अंदर उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जो एक एग्जांपल दी थी कि मैं अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई आपके पास मिनिमम एजुकेशन का लेवल क्या है, तो ये मैंने उसके अंदर रिगर शामिल नहीं किया। रिगर तब है कि जब आप उसको डिफरेंट एंगल से बड़े ही आप कह लें कि सख्त स्टैंडर्ड्स में से पास करते हैं, कि हर तरह से हर चीज को चेक कर लेते हैं, फिर आप कहते हो कि यार वाकई ही ये रिसर्च जो है ये इसकी जो फाइंडिंग है हम उन फाइंडिंग को मानेंगे। अच्छा, इसी तरह टेस्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, जो हम चीजें फाइंड करें उसको वाकई वेरीफाई करवा सकें, टेस्ट कर सकें। उसके बाद उसके अंदर उसको अगर हम रेप्लिकेट करना चाहें, उसी रिसर्च को हम दोबारा किसी जगह करना चाहें, तो आपके रिजल्ट ऑलमोस्ट वही होने चाहिए। कुछ फर्क होता है, मसलन मैंने पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज रिसर्च की और उसकी कुछ फाइंडिंग आई। अब ऑलमोस्ट फाइंडिंग लाजमी नहीं है वो आए, लेकिन वो रिसर्च में किसी और जगह पे भी करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। ये ना हो कि तुक्के से मेरे पास, मैं जो उसके आसान अल्फाज में कहूँ कि मेरे पास तुक्के से ये रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। सो ये होती है रेप्लिकेबिलिटी। उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी, ये क्या है? जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा, 150 स्टूडेंट से पूछा कि आपका मिनिमम एजुकेशन लेवल क्या है, और हमने कहा कि जी 150 का मिनिमम एजुकेशन लेवल वॉज 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो अब मैं इस फाइंडिंग को जनरलाइज कर सकता हूँ पूरी पॉपुलेशन पे। अगर तो मैं जनरलाइज कर सकता हूँ तो फिर मेरी वो फाइंडिंग या वो रिसर्च वाकई ही अच्छी है, लेकिन अगर मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, मैं ये कहूँ कि नहीं भाई ये सिर्फ इन 150 स्टूडेंट्स पे ये लागू होता है, तो फिर मे बी इस रिसर्च का कोई बहुत ज्यादा मुझे फायदा भी ना हो। तो हम ऐसे रिसर्च डिवाइस करना चाहते हैं, रिसर्च इस तरह से करना चाहते हैं कि हमारा वो जो छोटा सा सैंपल है वो हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अगर जनरलाइज करना चाहें तो हम उस फाइंडिंग को कर सकें। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव ओपिनियन और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर ना आपकी अपनी राय शामिल होती है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर यस या नो क्राइटेरिया। आप सब ने मेरे से लाइक मेजॉरिटी ने मेरे से वो पढ़ा है कॉस्ट का, और कॉस्ट के अंदर हमने पे बैक पीरियड का कहा कि यार हमें ये नहीं समझ आती पे बैक पीरियड के अंदर कि कितना पे बैक पीरियड वो काबिले कबूल है। लाइक 2 ईयर्स का पे बैक पीरियड ठीक समझू, 3 ईयर्स समझू, 4 ईयर्स समझू, बेसिकली देयर इज नो सच क्राइटेरिया। उसके अंदर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। कुछ लोगों के लिए कुछ हालात में 2 ईयर्स का पे बैक पीरियड ठीक है, और कुछ हालात में कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स का पे बैक पीरियड यू नो वो ठीक हो सकता है। तो इसके अंदर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन छुपा हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने कहा कि एनपीवी के केस में अगर वो 0 से बड़ी है तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, 0 से कम है तो हम कहते हैं कि रिजेक्टेड है। तो अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव है, अब इसमें किसी का कोई सब्जेक्टिव राय, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं शामिल हो सकता। तो रिसर्च के अंदर भी हमने अपनी यू नो सब्जेक्टिव ओपिनियंस को कम रखना है, और मेनली हम ऑब्जेक्टिविटी को उसके अंदर बढ़ाते हैं, और फाइनली उसके अंदर एक प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस लेवल हो कि यार मेरी रिसर्च के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक भी है, और इसके अंदर इतने परसेंट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस
एक्चुअल में परसेंट नहीं होता, बट यू यू डिफाइन दोस कंडीशन के मैंने ये चीजें की है। मैं एक एग्जांपल इसकी देके और फिर हम इससे आगे चलते हैं, मैं रिसर्च को समअप करता हूँ और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि यार लेट्स से मैंने 50 ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा लिया है और ये 50 की 50 ऑर्गेनाइजेशन